ये लेडीज के पास कम आता है, हमको भूल जाता है पापा के सामने ही है। इतने सालों बाद हम मिले हैं और एक सरप्राइज प्लान है। और ऋषिका जी को यहाँ पर छोड़ दिया हमने और इनकी टैक्सी आ गई है। बाय 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 कर रही है। बाहर में जो है खाने का टेबल सब लग रहा है, तो देखते हैं क्या क्या लग रहा है। यहाँ पर भैया जी सारा टेबल सब कर रहे हैं सेट। यहाँ जीजा जी और सभी लोग खा रहे हैं, तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं। जो बच्चे सामग्री है तीन बार में छोड़ना, हाथ में जाना हो गया सामग्री है। आपकी कृपा से होगा, हम आपको सादर के साथ सम्मान के साथ आमंत्रण करेंगे। तब तक के लिए अपना आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को प्रस्थान करें। सुमन सुगंधित सुमन सुमन के दरबार करनी है अपने स्थान पे एक परिक्रमा कर रहे हैं। ये ना लेडीज के पास कम जाता है, आई नहीं रहा है। जाओ इधर उधर, ये लेडीज के पास कम आता है, हमको भूल जाता है पापा के सामने ही है। अच्छा ये तो गलत है बेटा, सबसे तो हम लेके खा लेते तुमको और आप भी ही वहाँ चलेंगे। गलत है।
ओम दे सौभाग्यमान देहि रेपुरुषं रूपं देहि केशो देहि रेपुरुषं मुखासासनं मूलार्थं कृत्नामुद्धनास्तुतो मित्रणं मुनेश्वर विनायकं श्रीमानन्दं सरस्वती प्रणम्यादो मङ्गलकामास्ते इष्टकामास्ते धर्मकामास्ते सिद्धये वन्दे महालक्ष्मी नमः करसते नमो नमो दोषकामाय निर्भरता की उनके बुद्धि के पंडित जी का आशीर्वाद ले लीजिए आप बात करें प्रसाद खा रहा है सबसे पहले प्रसाद खा रहा है बढ़िया जी हमारी मुलाकात हो गई जेसिका जी से और भैया जी से और काफी अच्छा लगा मिल करके। अभी जी ये लोग आए हुए हैं तो थोड़ा सा हम लोग समय नहीं दे पाए उसके लिए माफी चाहेंगे। यहाँ पर दीदी का कहीं प्रवेश है और जानते हैं बहन का घर तो हमें जो कुछ से लगना पड़ता है। और क्रियांश भी अपना ब्लॉगिंग कर रहा है, देख रहे जब हम बोल रहे हैं बीच में जरूर बोलेगा। वो बोलता है हाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। दुख इस बात का है कि मैंने टाइम भी नहीं दिया। हम मिले वही सबसे बड़ी बात तो है। पागल इतने सालों बाद हम मिले हैं और एक सरप्राइज प्लान है वो हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को। वो भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी उसके बारे में, उसके लिए थोड़ा सा सब्र करे है ना। और इधर की यार सपना कूद रहा है। मेरा छोटा भाई है ना वो डॉक्टर। अच्छा वहीं पे वो रहता है। तो किस जगह का? नोएडा क्या? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा गॉल सिटी। गॉल सिटी हां स्टार्ट कर। वही किया है हमारा। यहां पे आना जाना होता है तो आना है। ये नहीं कि जिया है तो भैया है नहीं। अब हम आएंगे और यहीं पे 10-15 दिन महीना। अरे पहले तो पहले दी के जा रही है वो हमको पता है। आगे लेडी सच बता रही सच। अब तो आना जाना होता है। वो तो हम बात कर रहे हैं वो तो 10 पीछे है। नहीं क्या? अरे ये रहा, हम भी यही सोचते थे। फिर उस दिन अनु भैया बताई गए। अच्छा वाह। तो 3-4 दिन खाने गया हम। ये हम लोगों की तरफ से शगुन है। शगुन है। ये नहीं होता है चॉकलेट के लिए। अच्छा ये और जेसिका जी को यहाँ पर छोड़ दिया हमने और इनकी टैक्सी आ गई है। बाय 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 क्रियांश। क्रियांश बाय कर रही है आंटी। बाय लल्लू। बाय क्रियांश। उनको देख रहा है कि तू जा रहा है। बाय क्रियांश। वो लोग चले गए जी। तो उसके बाद अब सीधा चलते हैं अंदर। One hour later. पूजा तो हो गया थी संपन्न। पूजा संपन्न होने के बाद जो है जेसिका दी को जो है विदा कर दिया हमने। जेसिका दी और भैया दी दोनों से काफी अच्छा लगा मिलने में। दोनों काफी ही अच्छे इंसान हैं। तो हम लोगों का जो मुलाकात है आज तक हुआ था वर्चुअल लाइफ में। हम लोग रियल लाइफ में भी मिल लिए और जैसे वर्चुअल लाइफ में है वैसे ही वो लोग रियल में भी लगे। तो काफी अच्छा लगा मिल करके। और फिलहाल जो है जाते हैं बाहर में जो है खाने का टेबल सब लग रहा है तो देखते हैं क्या क्या लग रहा है। यहाँ पर भैया जी सारा टेबल सब कर रहे हैं सेट और यहाँ पर जो है चेयर भी सारा लग चुका है। देख सकते हैं गेस्ट सब जो भी आएंगे तो यहीं पर जो है सारा व्यवस्था है। यहाँ पर देख सकते हैं जी यहाँ चल रही है खाने की तैयारी। भैया उधर काट रहे हैं प्याज। यहाँ छत जो है इसका अच्छा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर और सभी का जो है यहाँ पर पाइप और टंकी वो सब भी मिलेगा देखने को। जाहिर सी बात है छत के ऊपर ही सब कुछ लगेगा। और यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट है तो सभी का अरेंजमेंट होगा इधर ही। सभी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ क्या रस्म है अभी बताएंगे। मतलब जब भी प्रवेश होता है उसके बाद 5 लोग भोजन किया जाता है। अच्छा 5 लोगन भोजन करेंगे। हाँ, और साथ में जो लोग पूजा पर बैठते हैं वो नहीं वो पहले खाते हैं फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद आप लोग खाएंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे ठीक है। उसके अलावा एक कन्याकुमारी भी। हाँ, एक कन्याकुमारी वो आ दिया है उधर। और क्रियांश क्या है? क्रियांश काल ये कुमार है। भैरव बाबा है।
नमस्ते नमस्ते जी, आइए आइए। तो जी ग्रीवेंस का जो पूजा पाठ तो सब कुछ होगी, आप सभी लोग आ रहे हैं, सभी रिलेटिव सब भी आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव भी हैं जिनको आपने जो है पहले कभी ब्लॉग में नहीं देखा होगा, तो एक करके सभी से आपको मिलवाते हैं और फिलहाल खाने पीने का प्रबंध हो गया है तो सभी लोग चलते हैं वहाँ पर। पनीर पूरी प्याज और कुछ नहीं लिया तुमने, बस यही खाना है। और मिली हमारे भैया जी से, उनको आपने कभी ब्लॉग में नहीं देखा होगा तो चलिए पहली बार मिला देते हैं हमारे एक और फैमिली मेंबर से, काफी दिन बाद मिल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी मुलाकात इसलिए खुश है, हमारा भाई नहीं रहे तो भतीजा है तो बहुत खुश है, हम इसीलिए बहुत तुम लोग ऐसे आते जाते रहो। और मिली हमारी भाभी जी से, और भाभी जी आती हुई ड्यूटी पर लग गई, बेटे का डायपर चेंज हो रहा है, देख लीजिए भविष्य अपना, यही भविष्य होने वाला है। सभी के करने का इंतजाम है तो सभी अपना अपना खाना ले रहे हैं, उन्हें भी भूख लग गई है तो कुछ देर में चलेंगे हम लोग खाने के लिए, फिलहाल पानी और पी लेते हैं। खाइए खाइए आप लोग, यहाँ जी दादी और सभी लोग खा रहे हैं। लगभग खाना जो हम खत्म कर चुके हैं, जल्दी खत्म करिए, क्रियांश भी बहुत ज्यादा सो रहा है, ज्यादा लिए भी नहीं, बाद में फिर खा लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भी खाएंगे क्या। हाँ। कैसा लगा खाना? अच्छा टेस्ट है। नैन्सी अपनी भाभी की बहुत तारीफ कर रही है लेकिन मेरी भाभी के जोड़ में नहीं है, मेरी भाभी बहुत ही अच्छी है, अब हमारी भाभी कितनी बड़ी हो गई है तब भी आज तक जो शुरू में प्यार दिया अभी तक। Gracias.